नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सिमडेगा समाचार के यूट्यूब चैनल पर। चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन पाएं आप अपने मोबाइल पर। तो चलिए, दिन भर की छोटी बड़ी सभी खबरों से कराते हैं रूबरू। सिमडेगा परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सिमडेगा उपायुक्त आर रोनेटा उपस्थित रही। इस दौरान मैच की शुरुआत खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उपायुक्त ने किया। इस दौरान सर्वप्रथम मैच अंडर 17 के बांसजोर एवं बोलबा के बीच में हुआ, जहां पर उपायुक्त ने कहा, खेल के साथ हमें बहुत कुछ करना है, इसलिए सभी लोग खेल को विशेष ध्यान दें ताकि बेहतर से बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि बेहतर खेलने वाली टीम को सिमडेगा से बाहर प्रमंडलीय स्तर पर भेजा जाएगा। सिमडेगा में कांग्रेस पार्टी की ओर से ईडी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर हो रही कार्रवाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान काफ़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत भट्टीटोली से होते हुए सिमडेगा मेन रोड होकर झूलन सिंह चौक, महावीर चौक सहित सभी क्षेत्रों में जाकर नुक्कड़ नाटक के रूप में वहां पर सभी लोगों को केंद्र की नीतियों की जानकारी दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती आ रही है और आगे भी करेगी। इधर कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से केवल यहां के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। केंद्र 8 सालों में सिर्फ अपना हित को देखी है, ना कि पब्लिक हित। उन्होंने कहा, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो एक दिन सत्ता से बाहर होगी। इधर ठेटांगर थाना क्षेत्र के पंडरीपानी भंडार टोली गाँव में घर का छप्पर ढह जाने से चाची एवं भतीजे की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गांव के लिबनूस एरगेट एवं उसकी चाची मर्था एरगेट घर के बाहर बने छपरी में बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक बिना पानी और बिना तूफान का गिर पड़ा। मोटी लकड़ी होने के कारण माथे में लगी और वो बेहोश हो गया। साथ ही चाची की कमर पर गंभीर चोट आई। तत्काल एम्बुलेंस द्वारा उन्हें सदर अस्पताल सिमडेगा लाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के साथ ही इधर प्रखंड प्रमुख विपिन पंकज मिंज पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए हर संभव मदद देने की बात कही। वहीं बताया गया कि यह घटना अचानक होने के बाद परिवार वाले सदर अस्पताल पहुंचकर फूट फूट कर रो रहे थे। सिमडेगा के पवित्र तीर्थस्थल रामरेखा धाम में ब्रह्मलीन बाबा रामरेखा की पुण्यतिथि पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है, जहां पर आसपास के दर्जनों कीर्तन मंडलियां भाग ले रही है और भक्ति की पूरी बयार बह रही है। बताया गया कि आज विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर यहां प्रसाद ग्रहण करेंगे। बताया गया कि बाबा की 15वीं पुण्यतिथि के मौके पर यह आयोजन किया गया है। वहीं इधर रामरेखा धाम के समिति के सदस्य इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। बानो मनोहरपुर रोड उकौली के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ को सीधी टक्कर मार दी, जिसके बाद चालक राजा खान की हालत गंभीर हो गई। तत्काल उसे बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज चल रही है। बताया गया कि हल्के नशे में होने की वजह से यह घटना को अंजाम दिया। सिमडेगा में डॉक्टरों की कमी के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर शुक्रवार को भी डॉक्टरों की कमी के कारण लंबे समय तक मरीज इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर का पता नहीं चला। बताया गया कि सिमडेगा में डॉक्टरों की कमी है और सरकार की ओर से किसी प्रकार के ध्यान नहीं दी जा रही है। लीड्स परियोजना की ओर से केरसई में रेस कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान को लेकर प्रशिक्षण आयोजित की गई। बताया गया कि संस्था द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चों के समग्र विकास के लिए उन्हें बाल संसद के अधिकार एवं अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इधर केरिया के समीप ऑटो एवं ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक की घटनास्थल पर भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश दलबल के साथ पहुँचे और ट्रक सहित सभी चीज़ों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। इधर बिजली विभाग के एक नया कारनामा सामने आया है, जहां पर कोलेबिरा के
नावाटोली पंचायत के कई ऐसे गाँव के नाम सामने आए हैं जहाँ पर आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है और उन गाँव में बिजली बिल भेज दिया। ग्रामीण आक्रोश के साथ बिजली विभाग कोलेबीरा का घेराव किया। इस मौके पर पंचायत के मुखिया एवं भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। इधर कोलेबीरा में लगातार सदस्यता अभियान के बाद बोलबा में भी सहकारिता विभाग की ओर से सदस्यता अभियान चलाने का काम किया जा रहा है। बताया गया कि यहाँ पर सभी लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लैंपस के माध्यम से गाँव का विकास हो सके। बताया गया कि लैंप्स में सरकार द्वारा कई चीज़ों को दी जा रही है ताकि लोगों को लाभ मिल सके। राजकीय मध्य विद्यालय बानो में आरपीएफ की ओर से जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर विजय पांडे के द्वारा महिला सुरक्षा एवं बाल रक्षा के बारे में जानकारी दी और 139 नंबर डायलिंग के बारे में भी जानकारी दी। बताया गया कि रेलवे आप सभी की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है, इसीलिए कभी भी किसी के लालच में ना पड़े और तस्करी से संबंधित जानकारी हो तो जरूर इसकी सूचना दे। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।